हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं किरण आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण बालकनी गार्डन एंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूं कि घर में मिर्ची का पौधा आप कैसे लगाएं और कितनी जल्दी से ग्रोथ पकड़ ले, कितनी जल्दी फूल आने लगे। दोस्तों, आजकल तो बारिश का टाइम है, बहुत जल्दी पौधे सर्वाइव कर जा रहे हैं। जो भी सीड्स आप डाल रहे हो बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं डिटेल में ये छोटी मिर्ची के किस तरह से लगाने चाहिए पौधा, और कितना इन्हें शेड एरिया चाहिए, कितनी धूप चाहिए और कितनी वाटरिंग चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए, ये जो आपके किचन में मिर्च होती है, लाल मिर्च चाहे बड़ी मिर्च आती है, मिर्च कई तरह की आती है। एक छोटी मिर्च भी आती है पतली रेड कलर की, एक उससे बड़ी आती है, वो उसके भी बीज जब मैच्योर होते हैं लाल हो जाती, पक जाती मार्केट में, जो किचन में हम लोग तड़का वगैरह लगाते हैं उसी के सीड्स आप बारिश के समय डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। और इनकी जो है पत्तियाँ, जो छोटी मिर्ची होती है उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, और जो बड़ी वाली मिर्ची होती है उसकी पत्तियाँ इससे थोड़ा बड़ी होती हैं। तो दोस्तों, आप वो सीड्स डाल करके कम से कम 10-12 दिन में ये पौधा निकल आता है, जर्मिनेट हो जाता है सॉइल में। तो जब ये बड़ा हो जाता है तभी आप इसे खाद पानी दें। और जब दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना कि जब इसमें फूल आ रहे हों तब उस समय आप कोई फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि उस समय जब हम इसमें कोई ज़्यादा पावर वाला फर्टिलाइज़र अगर दे देंगे तो ये फूल हमारे वो क्षमता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ये फूल झड़ जाते हैं। तो इस वजह से आप फूल आने के पहले, जब एक आधा फूल आने लगे उसी समय आप इसमें फर्टिलाइज़र दे दें, काउडंग दे दें या वर्मी कंपोस्ट दे दें। देखिए, इसमें मिर्चियाँ बनने वाली हैं, कुछ बन गई हैं लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है मिर्चियाँ, फूल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप इसमें फर्टिलाइज़र फूल आने पर ना दें। पत्तियाँ अगर फूल झड़ गए तो फिर जो है इसमें मिर्ची कैसे आएगी। ये देखिए, ये मिर्ची बन रही है, ये इधर, ये देखिए, और ये किए इधर। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और इससे सेमी शेड एरिया पसंद है। तो मैंने इस पौधे को इन पौधों के बीच में ऐसे रख रखा है, इस झुंड में रख रखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस झुंड में मैंने इस मिर्ची के पौधे को रख रखा है। और जब इस पौधे को नमी बहुत पसंद है, मिर्ची के पौधे को नमी बहुत पसंद है, लेकिन इतनी नमी नहीं पसंद है कि उसकी जड़ें जो है गल जाएँ। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब मिट्टी को आप देखेंगे हाथ से छू करके तो ये देखिए नमी दिखेगी, ये देखिए, है ना। जब जाने आप मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई है उस समय आप जो है इसमें वाटरिंग करें, अदरवाइज़ आप इसमें वाटरिंग ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग से हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा और गल जाती हैं उसकी जड़ें। तो ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, नमी रहनी चाहिए। ये नमी पसंद करने वाला पौधा है और छाया को पसंद करने वाला पौधा है, इस वजह से इसको अगर 1-2 घंटे की धूप साइड में मिल जाती है तो बहुत अच्छा चलता है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है और कोशिश यही करती हूँ कि हमेशा नए से नए वीडियो आपके बीच में लाऊं और आप लोगों को बताऊं, कुछ जानकारियाँ दूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, बाय दोस्तों।